अपारू भाइयों ते एक संदेश दिन चाहन छो जो नौकरी करना कुछ बाहर जाया छन लेकिन होटल में भाड़ में जाया छन वो तो मैं शर्म नहीं आन बहुत कुछ काम छन लेकिन उस गांव में अगर उनको बोलिया कि थोड़ा काम करने तो बहुत झिझकन मैं हूँ भाई तो एक संदेश दिन चाहन सत्येंद्र सिंह ने की जोगाना के अनुसार से कि मैं भी एक विकलांग व्यक्ति हुए कन जब ये तो काम कर सकते हो तो आप तो सब कुछ सक्षम चाहो आप क्यों नहीं स्वरोजगार गाँव में कर सकता हूँ आप आओ देव घुड़नी देवभूमि था हमारे बचाओ आप स्वरोजगार अपनाओ जिंदगी बनाओ। जब मैं दिल्ली में काम करता था मैं टेलीकॉम सेक्टर में काम था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर लेकिन दिल्ली जैसी सिटी में चाहे कितनी भी तनख्वाह कितनी भी है वहाँ एक लास्ट मंथ में जीरो ही होता है ये एक सच्चाई है नौकरी की। जो स्वरोजगार अगर अपना कर रहे हैं अपने घर पे तो उसको ये वो नहीं है दिक्कत कि शाम को मुझे क्या खाना है वो अपने आप मिल जाता है स्वरोजगार में। तो मैं जो मैंने 15 साल नौकरी करी वो हासिल नहीं कर पाया जो मैं 3 साल में यहाँ स्वरोजगार में पा लिया है। कोरोना में आया तो मजबूरी में था कि गांव में समय बिताऊंगा अपना लेकिन उस जब मेरा दौर वो मुश्किल था मैंने प्रयास करा कि इस दौर को भी सफल बनाएंगे हम स्वरोजगार अपनाएंगे क्योंकि हमारे पहाड़ों में बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं जो कोरोना जैसी बीमारी को भी हरा सकती है। तो उस औषधि को ही मैंने अपना हथियार बनाया और उसी में सफलता अभी प्राप्त करी है। मेरी कनाली ग्रीन टी आज बहुत फेमस हो रही है उसी के ऊपर मैंने जो अपनी काम करा था आज वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करें अपने आप को लोकल फॉर वोकल में डाले तो मैंने उससे काफी सीख ली है। तो हमारे यहाँ तो देवभूमि है या तो सारे प्रदार्थी ऐसे हैं कि जो देवतुल्य हैं मैंने उसी को अपनाया है। उसमें क्या करा है कि लोकल फॉर वोकल जैसे कर्नाली है कर्नाली को नेटल के नाम से सब जानते हैं पूरे कंट्री ऑल ओवर इंडिया नहीं कहूँगा मैं फॉरेन कंट्री में भी नेटल के नाम से बहुत फेमस है लेकिन कर्नाली के नाम से कोई नहीं जानता इसकी ग्रीन टी। तो मैंने उसको कर्नाली ग्रीन टी का नाम दिया कि मैं अपने जो लोकल जो कर्नाली बोलते हैं उसी को फेमस करूँ ना कि नेटल जो इंग्लिश नेम है उसको फेमस करूँ। हम काफी पिछड़े हुए क्षेत्र एमकेश्वर ब्लॉक से है जहाँ पे न सड़क है न पानी है न बिजली ढंग की है। प्रयास रहता है कि हम इन्हीं कठिनाइयों को जूझते हुए भी आगे बढ़ें और सक्सेस भी हो रहे हैं साथ साथ में लोग भी वापस आ रहे हैं काफी रिवर्स माइग्रेशन भी हो रहा है तो गांव आबाद भी हो रहे हैं ये कहना चाहूँगा। और धीरे धीरे ये प्रयास वाला रंग ला रहा है कि हम अपने गांव को और आगे बढ़ा सकें। चाहे कठिनाइयां तो हर जगह होती है लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है यही प्रयास है। जोगेड़ा गांव से मेरे से पहले भी भाई आए थे वो माइग्रेशन करके बहुत अच्छी है यहाँ पे मुकुल बिष्ट हैं वो बहुत अच्छा स्वरोजगार कर रहे हैं। उसके बाद भाई सतीश ने की आए हैं वो भी रिवर्स में आए वो महाराष्ट्र वापस आए हैं उन्होंने भी यहाँ पे अपना व्यापार शुरू करा है। व्यापार का अलग प्रकार होता है किसी का कोई चौक किसी लेकिन वापस आके काम कर रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि खुद मेरे गाँव से अभी हम 3-3 व्यक्ति माइग्रेशन करके वापस आके काम कर रहे हैं स्वरोजगार कर रहे हैं। 20 साल मैंने नौकरी में दिए हैं वो तो सिर्फ नौकरी में गए और जो 20 साल को मैंने व्यर्थ नौकरी में गए वो मैंने 3 साल में यहाँ रिकवर कर दिया। आज गुल्लक जैसे प्रोग्राम विनर होके लोग एक बड़ी आशा से मेरी तरफ देख रहे हैं
कि आगे कैसे हम कर सकते हैं, कैसे बढ़ सकते हैं। पहले जो लोग कनाली काटने में मेरे को मना करते थे, आज वो बोलते हैं कि हम भी लाते हैं आपके पास काट के। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। जो मेरे साथ में काम करने वाले हैं वो कोई भी मटेरियल मेरे पास लाते हैं और मैं अपनी दुकान पे रखता हूँ, शॉप पे रखता हूँ, वहाँ से वो उसका सेल करता हूँ। तो उनका एक विश्वास बना है कि हमको लोकल में एक मार्केट मिल गया जो हमारा सामान परचेज कर सकता है और सेल कर सकता है। लोगों के बीच में जो कनाली एक मात्र घास थी, आज वो एक दवाई के रूप में प्रचलित हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हम अपने लोकल फॉर वोकल के पदार्थों को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो मैं कहना चाहूँगा कि रिवर्स पलायन करना चाहते हैं, काम बहुत है, सिर्फ करने की इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और नहीं तो बहाने बहुत हैं। नहीं रखता, मैं अपने सहयोगी रखता हूँ। सहयोगी रखने का इसको बोलता हूँ मैं अपने गढ़वाली में कि जब हमन काम करें तो लोग तो जुड़नी पड़ल, तो लोग जुड़ला तो काम वाल, अगर एम्प्लॉय रखला तो नौकर बेजाल। मुझे नौकर नहीं चाहिए, मुझे तो सहयोगी चाहिए, और वो सहयोग मेरे को मिल रहा है आज धीरे धीरे। कल दो लोग थे, आज मेरे कम से कम मेरे साथ मेरी पूरी टीम खड़ी है, कम से कम 25 से 30 लोग हैं जो हर टाइम किसी भी समय मेरे साथ खड़े रहते हैं और मेरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।